हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल नॉलेज भाई जी। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं हूं आपका दोस्त अमित कुमार, लेकर आया हूं आपके लिए एक और न्यू इंफॉर्मेटिव वीडियो लॉ से संबंधित। आज हम इस वीडियो के अंदर सेक्शन नंबर 24 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955 को समझने वाले हैं। सेक्शन नंबर 25 हमें क्या बताता है? हमें बताता है मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रोसीडिंग के बारे में। यानी कि जब कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ से मेंटेनेंस क्लेम करना चाहता है, वाइफ अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस क्लेम करना चाहती है, तो ऐसे में इस सेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। इस सेक्शन के अंदर एप्लीकेशन लगाकर मेंटेनेंस क्लेम की। अब ये मेंटेनेंस सेक्शन 24 और सेक्शन 25 में क्या डिफरेंस है, वो भी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। यहाँ पर मेंटेनेंस पेंडेंट लाइट की बात की गई है सेक्शन 24 में, और सेक्शन 25 परमानेंट मेंटेनेंस या एलिमेंट बात करता है। तो ये डिफरेंस है। बेसिकली बेसिक शब्दों में अगर समझे तो जब सेक्शन नंबर 24 के अंदर मेंटेनेंस क्लेम की जाती है तो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द प्रोसीडिंग क्लेम की जाती है, और सेक्शन 25 में जब आप मेंटेनेंस क्लेम करते हैं तो ये डिग्री पास होने के बाद मेंटेनेंस आप ये क्लेम करते हैं। अब सेक्शन नंबर 24 को समझने से पहले मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको समझाया था, जब हमने सेक्शन 23 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 55 को कवर किया था, व्हाट इज द मैट्रिमोनियल रिलीफ। मैट्रिमोनियल रिलीफ क्या होते हैं? तो मैट्रिमोनियल रिलीफ वही होते हैं जैसे कि पेटिशनर है जो फाइल करता है उसकी डिग्री उस लेने के लिए, यह मैट्रिमोनियल रिलीफ है। स्पेशल सेपरेशन के लिए यह मैट्रिमोनियल रिलीफ है। रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट के लिए यह मैट्रिमोनियल रिलीफ है। मेंटेनेंस क्लेम करने के लिए पेटिशन डालता है, तो ये मैट्रिमोनियल रिलीफ के अंदर आते हैं। सेक्शन नंबर 24 हमें जो ये बताता है इंट्री मेंटेनेंस के बारे में। पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस को हम इंट्री मेंटेनेंस भी कहते हैं और मैंडेटरी मेंटेनेंस भी कहते हैं। मेंटेनेंस वर्ड को हम एलिमनी भी कहते हैं। जो जब हम सेक्शन 25 को पढ़ते हैं तो ये हमें क्लियर हो जाता है, क्योंकि तो वहां पर लिखा हुआ है परमानेंट एलिमनी एंड मेंटेनेंस। तो सेक्शन 24 हमें क्या कहता है, जब भी पार्टी की शादी हुई है, दोनों हस्बैंड एंड वाइफ है, किसी कारण से उनके बीच में डिस्प्यूट पैदा हो गए, अब उन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दी, तो डिवोर्स पेटीशन के साथ साथ वो मेंटेनेंस भी क्लेम कर सकते हैं। ये यहाँ पर बताया गया है सेक्शन 24 के अंदर। मेंटेनेंस जब किसी भी पार्टी के पास उसकी इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है, यानी कि उसके पास पर्याप्त पैसा नहीं है अपनी लिटिगेशन की प्रोसीडिंग को आगे प्रोसेस करने के लिए, उसके खुद के लिए उसके पास पैसे नहीं है, वो अपने आप को कैसे मेंटेन करे। अगर वाइफ की बात करें या हस्बैंड की बात करें तो जो बच्चे हैं उनको मेंटेन करने के लिए उनके पास पैसे नहीं है, तो ये जो मेंटेनेंस है ये हेल्प करता है उन्हें उनकी प्रोसीडिंग में, यानी कि जो लिटिगेशन का खर्चा है उसमें उसे मदद करता है, बच्चों के खर्चे में मदद करता है, उनकी ट्रैवलिंग फीस है, एजुकेशन फीस है, आना जाना, ट्रैवल करना, इन सभी के लिए पार्टी को इमीडिएट रिलीफ जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन में मिल जाता है, यानी कि तुरंत रिलीफ मिल जाता है जो पेटिशनर पेटिशन डालता है, साथ साथ मेंटेनेंस की अप्लीकेशन भी इस सेक्शन के अंदर डाल देता है, और वो मेंटेनेंस क्लेम करता है अपोजिट पार्टी से। एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान रखनी, मेंटेनेंस कोई भी क्लेम कर सकता है, चाहे वो वाइफ है चाहे वो हस्बैंड, यानी कि हस्बैंड और वाइफ यही दोनों मेंटेनेंस क्लेम करेंगे, एक दूसरे क्लेम करेंगे। अब हम बेयर एक्ट रीड कर लेते हैं और एक एक स्टेप को समझते जाएंगे क्या यह कह रहा है। तो वेयर इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दिस एक्ट, यानी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 की बात हो रही है, इस एक्ट के अंदर कोई भी प्रोसीडिंग चल रही है, डिवोर्स के रिगार्डिंग है, जुडिशियल सेपरेशन के रिगार्डिंग है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स है, तो ऐसे में
इट अपियर टू द कोर्ट दैट एदर द वाइफ और द हस्बैंड एज द केस में भी, या तो वाइफ होगा जो वाइफ होगी जो मेंटेनेंस क्लेम करेगी, या हस्बैंड होगा जो मेंटेनेंस क्लेम करेगा अपनी वाइफ से, हैज नो इंडिपेंडेंट इनकम ऑफ द वाइफ और हस्बैंड, नो इंडिपेंडेंट इनकम सफिशियंट फॉर हर और हिज सपोर्ट, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है, उसके पास कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है। एक चीज को यहाँ पर आप समझ लीजिए, जब हम इंडिपेंडेंट इनकम की बात करते हैं तो अगर वाइफ है, वाइफ के पेरेंट उसे सपोर्ट कर रहे हैं, उसका डिवोर्स प्रोसीडिंग चल रही है वाइफ की हस्बैंड के अगेंस्ट में, और वाइफ के पेरेंट जो हैं उसे सपोर्ट कर रहे हैं किसी रूप में, उसको पैसा दे रहे हैं, तो वो उसकी इंडिपेंडेंट इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। इस चीज को आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। एंड द नेसेसरी एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, अब जो ये डिवोर्स पिटीशन कोर्ट में फाइल की, इसके लिए पैसे तो लग रहे हैं, जिस दिन से डिवोर्स पिटीशन फाइल की उसी दिन से पार्टीज के पैसे लगने चालू हो जाते हैं, एडवोकेट की फीस है, आने जाने का किराया है, लिटिगेशन और चार्जेस हैं, कुछ फाइल तैयार की जा रही है उसके चार्जेस अलग लिए जा रहे हैं, तो वो सारे एक्सपेंस के पार्टी जो है मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, हस्बैंड और वाइफ दोनों में से कोई भी क्लेम कर सकता है एक दूसरे के अगेंस्ट, ये यहाँ पर कहा गया है। इट मे ऑन द अप्लीकेशन ऑफ द वाइफ और द हस्बैंड, यहाँ पर आपको एक चीज को ध्यान में रखना है कि जब भी आप मेंटेनेंस क्लेम कर रहे हैं, चाहे हस्बैंड क्लेम करे चाहे वाइफ क्लेम करे, उसके लिए उसको कोर्ट से अप्रोच करना होगा, कोर्ट को अप्रोच करना होगा, यानी कि अप्लीकेशन फाइल करके कोर्ट में जानी होगी, तभी उन्हें जो है रिलीफ मिलेगा। यहाँ पर बात की जा रही है किससे रिलीफ लेंगे, अपोजिट पार्टी से जो फाइनेंशियली कैपेबल है। क्लेम कौन करेगा, जो जिसके पास ना तो इंडिपेंडेंट इनकम है, अगर इनकम है तो उसके लिए वो सफिशियंट इनकम नहीं है, उसके लिए इनकम सफिशियंट है लेकिन उनके बच्चों के लिए सफिशियंट नहीं है, और अपोजिट पार्टी यानी कि अगर वाइफ की बात करें, हस्बैंड हुई अपोजिट पार्टी, तो हस्बैंड के पास पर्याप्त पैसा है कि वो कर्तव्य अपने आप को तो मेंटेन कर ही रहा है और वो अपने बच्चों को भी मेंटेन करे, तो ऐसे में कर सकता है, तो ऐसे में यहाँ पर वाइफ मेंटेनेंस क्लेम कर सकते। बात करते हैं आगे क्या है, ऑर्डर द रिस्पोंडेंट टू पे द पेटिशनर द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग एंड द मंथली ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग सच सम, यानी कि ये जो इंटरिम मेंटेनेंस बांधी जाएगी कि मंथली बेसिस पर बांधी जाएगी, कि हर महीने एक ऐसा अमाउंट जो कोर्ट निर्धारित करेगी। एक चीज को और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि यहाँ पर क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस यानी कि कोई क्वांटिटी नहीं बताई गई कि इतना अमाउंट ही मेंटेनेंस के रूप में पार्टी ले सकती, तो ये पार्टी की इनकम पर डिपेंड करता है, केस टू केस डिपेंड करता है, हर केस के फैक्ट अलग होते हैं, हर पार्टी जो इनकम है अलग अलग होती है, तो उस बेसिस पर जो है कोर्ट निर्धारित करती है, कोर्ट केस के अनुसार निर्धारित करेगी कि एक्चुअली में हस्बैंड कितना सफिशियंट है देने के लिए, वाइफ की बात की जाए तो वाइफ कितनी सफिशियंट है देने के लिए। यहाँ पर आप एक चीज को और समझ लीजिए, जब भी आप मेंटेनेंस क्लेम करते हैं तो मेंटेनेंस क्लेम करते समय अगर हस्बैंड है, हस्बैंड की एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा है और वाइफ की जो एजुकेशन है वो कम है, लेकिन वाइफ यहाँ पर कमा रही है, हस्बैंड नहीं कमा रहा, तो यहाँ पर वो इस बेसिस पर कि जो है हस्बैंड के पास काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन है इसलिए वो मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता, ये कोई पॉइंट नहीं होता, क्योंकि एजुकेशन ज़्यादा होने के बावजूद भी वो इनकैपेबल हो सकता है पैसा ना कमाने में, अपने आप का जीवन यापन करने में या अपने बच्चों का जीवन यापन करने में, वो फिजिकली या मेंटली डिसेबल है, तो ऐसे में वाइफ को उसे मेंटेन करना होगा, यानी कि उसको मेंटेनेंस देनी।
अब आगे पढ़ते हैं क्या लिखा है रिगार्डिंग टू द पेटिशनर ओवन इनकम एंड इनकम ऑफ द रिस्पोंडेंट इट मे बी टू द कोर्ट टू बी रीजनेबल, यानी कि जो क्लेम कर रहा है मेंटेनेंस उसकी इनकम देखी जाएगी, अगर वो कुछ पैसा कमा रहा है या कमा रही है, अपोजिट पार्टी जिसने पैसा देना है उसकी इनकम को ध्यान में रखते हुए जो कोर्ट को रीजनेबल लगेगा उस अमाउंट को मेंटेनेंस के रूप में यहाँ पर कोर्ट ऑर्डर कर देगी, यानी कि जिसने एप्लीकेशन लगाई है उसके अगेंस्ट में जो पार्टी है उसको कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि आपको मंथली इसको 10,000 रुपये, 15,000 रुपये, 20,000 रुपये, 50,000 रुपये मेंटेनेंस देनी है। अब इसमें एक प्रोविजो है, इसको समझ लेते हैं ये क्या कहता है। ये प्रोविजो एक तरीके से स्पीडी ट्रायल की बात करता है, यानी कि मेंटेनेंस की एप्लीकेशन अगर कोर्ट में लगाई जा रही है तो वो काफी लंबे समय तक पेंडिंग ना रहे, उसे एक समय सीमा के अंदर सुन लिया जाए। तो ये इस प्रोविजो में लिखा गया है कि विद इन 16 डेज को डिस्पोज ऑफ किया जाएगा, यानी कि उसको सुन लिया जाएगा और मेंटेनेंस बांध दी जाएगी। इस डेट से डेट ऑफ द सर्विस ऑफ नोटिस ऑफ द वाइफ और द हस्बैंड, यानी कि जब हस्बैंड हो अपोजिट पार्टी या फिर वाइफ हो अपोजिट पार्टी, उसको नोटिस सर्व होने से 16 डेज के अंदर इसको डिस्पोज ऑफ किया जाएगा। तो अगर आप भी चाहते हैं मेंटेनेंस क्लेम करना, तो मेंटेनेंस आपकी कोई प्रोसीडिंग चल रही है और तब आप मेंटेनेंस लेना चाहते हैं एट द टाइम ऑफ द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोसीडिंग, तो आप इंटरिम मेंटेनेंस, मेंडेंटरी मेंटेनेंस, पेंडेंट लाइट मेंटेनेंस क्लेम कर सकते हैं। उसके लिए आपको एप्लीकेशन लगानी होगी और कोर्ट जो है मेंटेनेंस देगा। आपको कोर्ट को यह सर्टिफाई करना है आपके पास कोई इंडिपेंडेंट इनकम नहीं है और आपके पास सफिशियंट इनकम नहीं है, कम है लेकिन इतनी नहीं है कि आप अपने आप का जीवन यापन कर सके। अगर आप हस्बैंड हैं, बच्चे आपके साथ रह रहे हैं, बच्चे वाइफ के साथ नहीं रह रहे, तो आप कह सकते हैं मैं अपने आप को तो मेंटेन कर सकता हूँ, मेरे इतनी इनकम है लेकिन मैं अपने बच्चों का एक्सपेंस नहीं उठा सकता, लेकिन वाइफ जो है इतना कमा रही है कि वो अपने आप को मेंटेन करने के साथ साथ बच्चों को भी मेंटेन कर सकती है, तो आप अप्लीकेशन लगाकर कोर्ट में कोर्ट से रिलीफ ले सकते हैं मेंटेनेंस। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको इस वीडियो से इंफॉर्मेशन मिली तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप हमारे साथ जुड़कर और लीगल जानकारी ले सकते हैं।